तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो एक्चुअली बेसिक डेफिनेशन तो वही है, डी डब्ल्यू मतलब डी यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय सी एफ, है ना, डी डब्ल्यू सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू एस पी एफ स्प्रिंग फोर्स। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, नेचुरल लेंथ एल है। अब ऐसा ले लो, आप ये एल प्लस एक्स ले लो, डिस्प्लेसमेंट इसका। तो एक्चुअली जो के एक्स है ना, इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स के एक्स। तो ये ब्लॉक पर देखो के एक्स इधर लग रहा है, ये डी एक्स। ठीक है, तो हमें निकालना है डी यू। तो ये वर्क डन इसका निकालें, माइनस साइन है ना, तो कितना हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू ये के एक्स आई कैप माइनस आई कैप माइनस आई कैप डी डब्ल्यू निकाल रहे हैं, एंड डॉट डी एक्स आई कैप। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ठीक है, मतलब ये यू इज इक्वल टू, अगर इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यू जीरो मानता हूँ, मतलब नेचुरल केस में, नेचुरल में अगर मैं, तो सी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो U का वैल्यू आ गया के एक्स स्क्वायर बाई टू जूल। ये हो गया इस कंडीशन के साथ, इफ स्प्रिंग इज नेचुरल, तो ये हो गया स्प्रिंग एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जैसे F ले लो एक्स आई कैप वाई जे कैप, ये तो तुम्हें पता है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू एफ सी सी एफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, ये हो गया डी आर। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वी डी वाई, राइट। तो अब ये यू इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब इफ यू जीरो एट एक्स जीरो एंड वाई जीरो, तो सी भी क्या होगा, जीरो। या यू इज इक्वल टू माइनस, जनरलाइज में लिख सकते हो वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, अब ले लो एक और क्वेश्चन। ये ध्यान देना है, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइन फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइन। एफ कितना है बोलो कंजर्वेटिव फोर्स में, वाई आई कैप एक्स जे कैप, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू एफ सी सी एफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो डी यू इज इक्वल टू माइनस वाई आई कैप एक्स जे कैप डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो अब ये इंटीग्रेट करोगे, अगर यू इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, राइट, तो यू इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस सी, यू इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस सी। ठीक है, तो ये चीज है ना, यू इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एक टॉपिक अच्छा है। कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स लिखो, कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। तो डी यू इज इक्वल टू माइनस
डी डब्ल्यू बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो डी इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एस, ठीक है, या डी इज इक्वल टू माइनस ये डी आर लो, तो माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड, तो डी यू एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वाई, एफ जेड इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी जेड, ये हो गया, ठीक है, ये कैलकुलेशंस का तरीका है। जैसे u इज इक्वल टू हो गया, अब जैसे तुम ऐसा ले लो एग्जांपल के लिए, u ले लो माइनस एक्स वाई जेड, तो एफ एक्स क्या होगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो एफ एक्स कितना हो गया, x को डिफ्रेंशिएट करोगे बाकी कांस्टेंट लोगे, डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, ठीक है ना, तो ये आ गया तुम्हारा कितना, ये माइनस वाई जेड आ जाएगा, फिर ये एफ वाई, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया ऑलरेडी, यहाँ माइनस साइन है इसमें भी माइनस है ना, एफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, और एफ जेड होगा तुम्हारा एक्स वाई, तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तुम कर सकते हो इसमें, ठीक है, और भी एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, यू दिया हुआ है एक्स ई टू द पावर वाई एलेन जेड, तो एफ एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो ये तो कांस्टेंट ई टू द पावर वाई एलेन जेड, और एक्स का डेरिवेटिव वन, एफ वाई माइनस डी यू बाई डी वाई, तो एक्स एल एन जेड कॉन्स्टेंट, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा, डी बाई डी वाई ऑफ ई वाई, तो एक्स एल एन जेड ई वाई, और एफ जेड एक्स ई वाई डी बाई डी जेड ऑफ एल एन जेड, ठीक है, देखना माइनस साइन यार, या माइनस, यहाँ भी माइनस और ये माइनस है ना, क्योंकि एफ जेड क्या होगा, माइनस डी यू बाई डी जेड होगा, हाँ, तो डी एल एन जेड, तो माइनस एक्स ई का पावर वाई बाई जेड होगा, डी बाई डी जेड ऑफ एल एन जेड क्या होगा, वन बाई जेड, ठीक है, तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस ई वाई एल एन जेड आई कैप प्लस मतलब माइनस एक्स एल एन जेड ई वाई जे कैप, और माइनस एक्स ई वाई बाई जेड के कैप, ये हो गया फोर्स, ठीक है, ओके, तो फिर हम लोग आगे का करते हैं, ओके, थैंक यू।